आज कोई कारण नहीं। हम सत्ता में जरूर बैठे राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के नौजवान को अगर दुख देखना पड़ेगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। देश भर में प्रदर्शन हुआ है, 21 तारीख को राजस्थान भर में प्रदर्शन हुआ है, और जो हमें 14 तारीख को नई दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अविनाश पांडे साहब, जब जब दिल्ली ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान को जिम्मेदारी दी है, जितनी हमसे अपेक्षा कही गई है उससे 10 गुना लोग लेकर हम दिल्ली गए हैं। और एक बात और सुन लीजिए, हम लोगों को सत्ता का मोह सिर्फ इतना है कि जनता के लिए काम कर सके, और आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो आप सब लोगों के खून पसीने की बदौलत बनी है। हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठेंगे और सत्ता की चर्बी चढ़ जाएगी, सड़कों पे आना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा। इस संगठन के लिए जो लोगों ने काम किया है, आज प्रताप सिंह खाचरेवास जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब लोगों को आमंत्रित किया, वही पेड़ की छाव है, वही सिविल लाइन का फाटक है, लेकिन प्रताप जी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पहले के बजाय जो व्यवस्था है, आज अच्छा कारपेट लगा हुआ है, कुर्सी टेबल लगा रखी है, पहले तो आप गद्दा तके लगा के काम चला लेते थे, लेकिन आज आपने कुर्सी टेबल लगाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पीने के लिए गिलास रखा है, ये लगता है कि प्रताप सिंह खाचरेवास मंत्री बन गए हैं, लेकिन ये मंत्री संतरी कुछ नहीं है, सब जनता की थाली में बैठे हैं। हम लोगों को केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ एक उद्देश्य कहकर आगे बढ़ना है। अभी हमारे साथी सजय नरमा साहब जिनको दिल्ली से भेजा है, इस पूरे आंदोलन का पूरे शांत हो जाइए, पूरे राजस्थान भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता की जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, हम लोकसभा चुनाव हार गए होंगे, लेकिन 11 महीने पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, और ये आशीर्वाद देने की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ कुर्सियों पर बैठे। मैं आप कार्यकर्ता को बताना चाहता हूँ साथियों, हम में से कोई किसी पद पे हो या ना हो, हम में से कोई किसी पद पे हो या ना हो, मुझे भी सरकार में काम करने का मौका मिला है, लेकिन मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ, मेरे पास दो दो जिम्मेदारियां हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना 6 साल पहले, और 11 महीने पहले मुझे सरकार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने काम करने का मौका दिया, लेकिन आप लोगों को परिवार मानता हूं, और मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बोलेगा हम वो ही काम करेंगे। सरकार ने काम किया, संगठन ने काम किया, आज प्रदेश भर में नगर निकाय के चुनाव हमारा विरोधी दल सोचता था कि हम लोग बिना काम करे, शहर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि 3/4 जगह यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बना है। 2 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी एक में जीत गई, दूसरी में बारीकी से रह गई, लेकिन आने वाले समय में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, लेकिन सड़कों पे आप लोगों ने खून पसीना बहाकर, पोलिंग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत किया है। आज हम सब लोगों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन लिखा है, उस ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने भेदभाव करते हुए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा हटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के नेताओं की सुरक्षा क्या राजनेताओं की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ सकता है? जिस परिवार में दो दो प्रधानमंत्रियों की आत्महत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, उस परिवार की सुरक्षा का आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपके मन में नफरत है, आप क्रोध की राजनीति करना चाहते हो, आप संख्या बल के आधार पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हो, आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का बट्टा बिठा दिया, अब जनता जवाब मांग रही है। जो आप लोगों ने हरियाणा महाराष्ट्र में परिणाम देखे, अब झारखंड दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, यहां तो अपन ने बाजी मार ली है, अब झारखंड दिल्ली भी जाएंगे, जहां जहां हमें मौका मिलेगा वहां जाकर दिखाएंगे कि हम कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के उपकार हैं, लोगों का, मतदाताओं का, जिन्होंने आज हमें यहां तक पहुंचाया है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं गवर्नर साहब को कि प्रधानमंत्री जी, इस देश में आपने जो बेरोजगारी फैला दी है,
लोगों के अंदर दमन की राजनीति करी है उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और साथियों कान खोल के सुन लो, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा 14 तारीख को दिल्ली से, एक ऐसा संदेश जाए पूरे हिंदुस्तान में कि भाजपा के विरोध में जो जो ताकतें हैं वो सब एकजुट हो जाएं। इनको बहुमत मिल गया होगा 11-12-6 महीने पहले, लेकिन आप सब जानते हो नौजवान और किसान जिस करवट बैठ जाए वही जनता का आशीर्वाद मिलता है। आज आप लोगों ने, मुझे खुशी है कि हम सरकार में आ गए। मुझे कुछ नेताओं ने कहा, अरे साहब, अभी मुझे कहा कुछ नेताओं ने कि सचिन जी नेता कुछ नेता विधायक बन गए, कुछ नेता मंत्री बन गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, अब ये तो मार्च पहले निकलती थी, आज क्या रौनक होगी। मैंने कहा हम लोगों ने भी 6 साल सड़कें नापी हैं, छाले हो गए पैरों में घूम घूम के, इस कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और आप देख लेना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, विधायकों का, मंत्रियों का, संगठन के पदाधिकारियों का और विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खातरेवास जी का। आप सब लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन साथियों आज का ये पैदल मार्च यहाँ समाप्त नहीं होगा। हमें 14 तारीख को नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचना है। और पांडे साहब पिछले 6 सालों में कम से कम आधा दर्जन बार, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमसे ज्यादा करीब हरियाणा है दिल्ली के, लेकिन हम लोग जब वहां पहुंचते हैं तो हरियाणा भी छोटा पड़ जाता है राजस्थान के कार्यकर्ताओं के मुताबिक। हम सब लोगों को 14 तारीख को दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम और आप मिलकर नौजवान गरीब के संग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग यहां पर आए और आपने बहुत जोश से हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सारे लोग